क्या आपको गुस्सा आता है? शायद हाँ, हम सब इंसान हैं, हम सबको गुस्सा आता है। कब आता है, क्यों आता है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? शायद कुछ गलत करते हैं, किसी को गाली देते हैं या तोड़फोड़ करते हैं। क्या करते हैं आप, थोड़ा सोचिए। शायद गलत ही करते हैं, हम सब गलत ही करते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तो हम बहुत बड़ा बड़ा गलती कर बैठते हैं। क्या आप अपना गुस्से पे काबू पाना चाहते हैं? आपने देखा होगा, गुस्से में किया गया हर काम हमेशा बुरा ही होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने गुस्से से आप कैसे काबू पाते हैं, अपने गुस्से से कैसे काबू पाया जाए, गुस्से को कैसे जल्दी ठंडा किया जाए। आइए देखते हैं गुस्सा का कारण क्या है। गुस्सा का कारण सामने वाला हो सकता है, उल्टा सीधा वो बोलता है आपको, या कुछ ऐसा सिचुएशन है, जो ऐसा परिस्थिति है जो आप नहीं चाहते हैं, वही परिस्थिति आपको गुस्सा दिलाता है। आपको मालूम होगा कि परिस्थिति हमेशा अच्छा नहीं होता या हमेशा बुरा नहीं होता। जब परिस्थिति बुरा होता है तो हमको गुस्सा आता है, सिचुएशन बुरा होता है तो हमको गुस्सा आता है। लेकिन इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? जैसे आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करना सबका बस का बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये, शायद असंभव भी हो सकता है कभी कभी। फिर क्या किया जाए? इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको गुस्सा आए तो आप तुरंत 2 मिनट के लिए उस स्थान को, उस प्लेस को छोड़ दीजिए, या तो पानी पीने चले जाएं या टॉयलेट। जो व्यक्ति या जो सिचुएशन आपको गुस्सा दिलाता है उससे खुद को आप कुछ टाइम के लिए दूर रखिए। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसा सिचुएशन जो आपके आसपास में घटित होता है, वो जो देख के आपको गुस्सा आता है वो भी हो सकता है। तो जब भी आपको गुस्सा आता है, कुछ टाइम के लिए आप खुद को उस व्यक्ति या उस सिचुएशन से अगर दूर रखते हैं तो आपका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। मान लो किसी ने आपको कुछ बिना कारण, तो वो तो बुरा भला बोला आपको, जिस बात ने आपको गुस्सा दिलाया, तो आप दा है अगर तुरंत हम जवाब नहीं देके चुप रह जाते हैं और तुरंत पानी पीने चले जाते हैं या टॉयलेट चले जाते हैं या 2 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आके आप उससे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है, इसे आप आजमाइए, देखेंगे कि इसका रिजल्ट हमेशा सही रहेगा और आप अपने गुस्से पे काबू ही पाएंगे। थैंक यू।